हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स जीके क्वेश्चंस। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो 30 मार्क्स के हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखने के बाद आपको ये बताना है कि आपने 30 में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। तो चलिए बिना डिले के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही हम इकोनॉमिक्स के फादर और जनक दोनों कहते हैं। नेशनल इनकम मीन्स, नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? अगर आपसे कोई कहे कि नेशनल इनकम क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक एक ऑप्शंस को आप रीड कीजिए। हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताएंगे, डी, द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी देश में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि नेशनल इनकम क्या है, तो आप उसे क्या बताएंगे? विद इन अ फाइनेंशियल ईयर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो भी मनी वैल्यू होता है, वही नेशनल इनकम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। DBT इज द एब्रीविएशन ऑफ, ये किसका एब्रीविएशन है? ए, डिमांड बाय ट्रेड, बी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सी, डिडक्ट बाय ट्रांजेक्शन, डी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। राइट आंसर होगा बी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये किसका एब्रीविएशन है? DBT का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG? SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप एक एक ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? NABARD, इसे हम कहते हैं नाबार्ड। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। व्हेन वाज द नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड? नाबार्ड का इस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में किया गया था, ए, 1982, बी, 1983, सी, 1985, डी, 1991? राइट आंसर होगा ए, 1982 में। व्हाट इज मीन्ट बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं? अगर आपको कोई कहे व्हाट इज योर थॉट अबाउट नेशनल इनकम, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए, बजट ऑफ द गवर्नमेंट, बी, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, सी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, डी, प्रॉफिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसका राइट आंसर होगा सी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। क्या है नेशनल इनकम का मतलब? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी कि फैक्टर इनकम्स का सम। हु हैज एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन द इंडिया फर्स्ट? भारत में नेशनल इनकम का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? एस्टिमेटेड का मतलब है अनुमान लगाना, तो इनमें से कौन सबसे पहले किए थे? राइट आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और NDC वॉज फाउंडेड इन?
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसकी स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, इन्फ्लेशन को हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के लिए एडजस्ट नेशनल इनकम के वैल्यू को क्या कहा जाता है? ए इन्फ्लेशन इनकम, बी रियल नेशनल इनकम, सी न्यू नेशनल इनकम, डी रेशनल इनकम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियल नेशनल इनकम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा सी, 1995 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफसी? आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। व्हेन वाज द आईएफसी एस्टैब्लिश्ड? आईएफसी की एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में की गई थी? करेक्ट आंसर होगा बी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड? वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट कब की गई? ए 1951, बी 1946, सी 1944, डी 1948। राइट आंसर होगा सी, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। When was IMF establishment? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि IMF की establishment कब हुई थी? Right answer होगा B, 1944 में। इसकी भी establishment 1944 में ही की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। What is the full form of RBI? RBI का full form क्या होता है? Right answer होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा आरबीआई बैंक, तो हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरा फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट? आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? राइट आंसर होगा ए, 1935 में। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। What is the full form of SEBI? SEBI. इसका full form क्या होता है? A, B, C या फिर D? Right answer होगा option B, Securities and Exchange Board of India. ये होता है SEBI का full form. When was the SEBI established? SEBI की स्थापना किस year में हुई थी? ए 1992, बी 1993, सी 1995, डी 1999। राइट आंसर होगा ए, 1992 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSE? BSE का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा इसका डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। When was the BSE established? BSE की establishment हुई थी 1875 में। Question number 22, What is the full form of NSE? NSE का full form क्या होता है? A, B, C या फिर D? Right answer होगा option A, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द एनएसई एस्टैब्लिश्ड? एनएसई की स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 24,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने ये नाम तो सुना ही होगा। ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन देखिए स्पेलिंग में चेंजेस किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सी एशियन डिप्लॉयमेंट बैंक, डी अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। राइट आंसर होगा इसका बी एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है एडीबी का फुल फॉर्म। इसीलिए आपको एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि कहीं किसी ऑप्शंस में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये आपको रीड करने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं एक एक ऑप्शंस को ध्यान से रीड कीजिए तो ही आंसर दीजिए। अगर आप बिना रीड किए आंसर देते हैं तो क्वेश्चन के रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। When was the ADB established? ADB की establishment कब हुई? Right answer होगा यहाँ पे A, 1966 में। What is the full form of SARC? SARC का full form क्या होता है? A, B, C या फिर D? Right answer होगा option B, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये होता है पूरा सार्क का फुल फॉर्म। व्हेन वाज द सार्क एस्टैब्लिश्ड? सार्क की एस्टैब्लिशमेंट या फिर कह लीजिए स्थापना कब हुई थी? ए 1985, बी 1987, सी 1989, डी 1981। राइट आंसर होगा ए 1985 में। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई? आपने सुना होगा एसबीआई बैंक फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द एसबीआई एस्टैब्लिश्ड? एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा सी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन वाज द आईसीआईसीआई एस्टैब्लिश्ड? यहां पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है 1955। यानी कि एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों की एस्टैब्लिशमेंट 1955 में ही हुई थी। अब आपको ये बताना है कि ICICI बैंक जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए थे जिसमें बैंक रिलेटेड सभी फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपने सोच लिया होगा बी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये होता है पूरा आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।